नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आयरलैंड के क्रिकेटर ब्रायड रैकिंग ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आयरलैंड के अलावा रैकिंग ने इंग्लैंड के भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। साथ ही ब्रायड रैकिंग दुनिया के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टेस्ट, वनडे और T20 तीनों ही फॉर्मेट में दो देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। इस तेज गेंदबाज ने 2003 में आयरलैंड के लिए पदार्पण किया था और उन्होंने अपने देश के लिए आखिरी T20 मुकाबला 2020 में ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। इस 36 साल के खिलाड़ी ने इंग्लैंड के लिए 2013 से 14 में एशियस टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा 7 एक दिवसीय और 2 दिवसीय T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। साथ ही आयरलैंड को 2017 में टेस्ट दर्जा मिलने के बाद वह वापस अपने दौर लौट गए थे। उन्होंने कुल 3 टेस्ट, 75 एक दिवसीय और 50 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। रैकिंग ने बयान में जारी कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कदम के लिए यह सही समय है। रैकिंग का कहना है कि 2003 के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने इस गेम का जमकर आनंद लिया है। रैकिंग ने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आयरलैंड के लिए इतना खेल सकूँगा। कई विश्व कप के खेलने के साथ दुनिया की यात्रा करना और आयरिश जर्सी को पहनना कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ और पढ़ते रहिए हमारे वेब पोर्टल nathulal.com को। नमस्कार।